हिमाचल में चुनावों को लेकर राजनीति पूरी तरह से गर्मा गई है। राज्यसभा चुनाव में पार्टी से विद्रोह करने वालों को भाजपा ने टिकट देकर उपचुनाव में उतार दिया है। वहीं लोकसभा में टिकट को लेकर भी भाजपा में विद्रोह के स्वर उठने शुरू हो गए हैं। अब ऐसे में विपक्ष की कलह भी कांग्रेस को परेशान कर रही है। परेशानी की वजह भाजपा के ही नाराज नेता हैं। अपनी पार्टी में टिकट न मिलने से ये अब कांग्रेस में संभावनाएं तलाश रहे हैं। चुनावी बेला में यदि कांग्रेस इन्हें अपनी पार्टी में शामिल करती है तो कांग्रेस में भी विरोध हो सकता है। हिमाचल में लोकसभा व 6 सीटों पर हो रहा उपचुनाव कांग्रेस के लिए भी प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। लाहौल स्पीति से पूर्व मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडे कांग्रेस में टिकट की कोशिश कर रहे हैं। मारकंडा को कांग्रेस का टिकट ना मिले इसके विरोध में केरंग और उदयपुर ब्लॉक कांग्रेस से प्रस्ताव पारित हो चुका है। कांग्रेस यह भी नहीं चाहेगी कि जिस कलह से भाजपा जूझ रही है उनके यहाँ भी यही स्थिति पैदा हो जाए। गगरेट विस्क क्षेत्र में चैतन्य शर्मा के भाजपा में शामिल होने के बाद वहां पर उपचुनाव के लिए तैयारी 20 दिन पहले ही हो गई थी। मुख्यमंत्री ने पूर्व मंत्री कुलदीप कुमार के साथ बैठक कर उनसे पूरी रिपोर्ट ली थी। मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक के बाद वह टिकट के बड़े दावेदार माने जा रहे थे। इस बैठक के कुछ दिन बाद ही राकेश कालिया ने भाजपा से त्याग पत्र दे दिया। अब टिकट की दौड़ में उनका नाम भी आगे आ गया है। धर्मशाला विस सीट पर भी उपचुनाव हो रहा है। पूर्व महापौर जग्गी कांग्रेस के बड़े दावेदार हैं, पर राकेश चौधरी के भाजपा से त्याग पत्र के बाद यदि वह कांग्रेस में टिकट का प्रयास कर रहे हैं, यदि कांग्रेस उन्हें पार्टी में शामिल करती है तो यहां पर विद्रोह हो सकता है। कांग्रेस पार्टी टिकट को लेकर नए सिरे से सर्वे करवा रही है। सुजानपुर व बड़सर विस क्षेत्र में उपचुनाव हो रहे हैं। सुजानपुर में राजेंद्र राणा व बड़सर से इंद्रदत्त लखनपाल ने कांग्रेस को छोड़कर भाजपा ज्वाइन की है। दोनों ही बड़े नेता थे। यहाँ पर सेकंड लाइनर को टिकट देने पर चर्चा चली हुई है। वहीं संसदीय क्षेत्र के प्रभारियों से भी इसको लेकर विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। शिमला संसदीय सीट के लिए 16 नेताओं ने टिकट के लिए आवेदन किया है। टिकट की रेस में जो आगे है उसमें एक ने आवेदन ही नहीं किया है। बीजेपी के पूर्व सांसद रहे वीरेंद्र कश्यप को कांग्रेस में शामिल करने की चर्चा चली है। इसको लेकर अभी से विरोध शुरू हो चुका है। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में टिकट के लिए पूर्व मंत्री आशा कुमारी व डॉक्टर राजेश शर्मा का नाम आगे चल रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि 10 या 11 मार्च को कांग्रेस अपने टिकट फाइनल करेगी।